बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर एफएससी का मैथ। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमारे पास जो है कोलिनियर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 = 0। देखिए, हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका डिटर्मिनेंट है पॉइंट्स का x1 y1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2 सेकंड पॉइंट, x3 y3 थर्ड पॉइंट का, और जो आखिरी पॉइंट में लिखेंगे 1 1। अगर तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आए तो हम कहेंगे जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, कोलिनियर। तो देखें, अक्सर साइज हम डिस्कस कर रहे हैं 4.1, उसका क्वेश्चन हमारे पास 7 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइंड एट सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो फिर मस्ट है कि जो इनका डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। सॉल्यूशन, सिंस ए -1 8, बी 3 2 एंड सी 7 3 आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट बाई कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हमारे पास है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 = 0। तो देखें, ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 और ये हमारे पास पॉइंट x3 y3। तो फिर इसमें -1 8 3 2 7 3 1 1 1 = 0। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, मैं बताया था पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, तो -1 ये कॉलम स्किप और 0, 2 -3 -8 ये कॉलम और 0 स्किप, 3 -7 +1 = 0 कॉलम और 0 स्किप, 9 -14। तो ये हमारे पास आ गया -1 -1 -4 +4 8 और -14 +9 -5 = 0। यानी हमारे पास 4 8 -4 = 0, 4 8 = 4, 8 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल। ए ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ इट्स आर थ्री साइड्स आर इक्वल, a = b = c। हर वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास गिवन है ए पॉइंट -3 0, बी पॉइंट 3 0 आर द वर्टेक्स ऑफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड थर्ड वर्टेक्स। देखिए, आपको पता है कि जो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल। इन तीनों साइड्स को हम इक्वल लेंगे, वहां से हम जो थर्ड कोऑर्डिनेट है जिसको मैं लिखूंगा एक्स और वाई, उसको हम फाइंड करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है एक्स और वाई, जिसको हम सी से नोट कर लेते हैं, बी द थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट या थर्ड वर्टेक्स ऑफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मस्ट है कि इसकी जो तीनों साइड वो क्या होगी, इक्वल। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। स्केलिंग कर लेते हैं ताकि लोग जगह का साइन डालेंगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड, ए बी स्केयर इज इक्वल टू बी सी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर। तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वो क्या था, यहाँ पे दो पॉइंट वैल्यू फासला निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 square + y2 - y1 square। तो देखें, पहले हम डिस्टेंस लेंगे ए बी का, तो देखें x2 - x1 -3 - 3 का square + y2 - 1 0 - 0 का square।
इज इक्वल टू बी सी। देखिए ये हमारे पास बी एस सी हमने क्या लिया वर्टेक्स एक्स वाई, देखिए x पॉइंट x को माइनस करें y क्वाड्रेंट से y को माइनस कर दें, क्या आ गया 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी ए और सी x 2 माइनस x 1 माइनस 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y में से y 2 माइनस y 0 माइनस y का स्क्वायर, स्क्वायर स्पेंड करें माइनस 3 माइनस 3 6 6 का स्क्वायर 36, स्केयर एक्सपेंड करें 9 प्लस एक्स स्केयर माइनस 6 एक्स प्लस 5 स्केयर इज इक्वल टू, अब इसका स्केयर एक्सपेंड करें 9 प्लस एक्स स्केयर प्लस 6 एक्स प्लस 5 स्केयर। अब देखें ये तीनों इक्वेशन आपस में क्या है इक्वल, पहले देखो हम देखें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सी है वो क्या है एक्स और वाई। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, मैथ का रूल है जितने अननोन होंगे, देखिए आपके पास दो अननोन है यहाँ पे, एक अननोन x है और एक अननोन y है, आपके पास यहाँ टू अननोन है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो भी दो होनी चाहिए। पहले चलो हम इसको इसके बराबर ले लेते हैं, ये आएगा 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल, x स्क्वायर से x कैंसिल, स्केयर कैंसिल, वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, इसको जब पॉजिटिव कर दें 6x प्लस 6x क्या हमारे पास आ गया 12x इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसी क्वेश्चन में इसकी प्रॉब्लम दे दें, तो 9 प्लस एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 36। तो देखें हम ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हैं, x वैल्यू हम यहाँ पुट करें 0 0 क्या आ गया 9 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो हम माइनस कर दें y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9 27, इसका स्क्वायर रूट लें प्लस माइनस 27। तो देखें मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो देखिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सी है वो क्या आ गया, हमारे पास सी कोऑर्डिनेट पहले देखो एक्स की वैल्यू बाद में वाई की, तो एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। अगर मैं इसको आपको पॉजिटिव वैल्यू लगा लें नेगेटिव वैल्यू लगा लें 0 आ 3 स्क्वायर रूट 3 0 आ माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। अगर आप देखें जो आपके पास वर्टेक्स सी है वो दो आपके पास वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है अगर आपके पास दो वैल्यूज आ रही है तो जो आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगी इस क्वेश्चन में, तो आपके पास जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होगी वो दो होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल जो आपके पास आएंगी उनकी तादाद क्या होगी दो। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिवाइडिंग का जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। देखिए हमारे पास लाइन सेगमेंट है पी से क्यू, पी पॉइंट हमारे पास एक्स वन वाई वन है, क्यू पॉइंट हमारे पास एक्स टू है, जो लाइन सेगमेंट बनता है वो हमारे पास क्या है पी क्यू। देखिए जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है उसको जो रेशियो डिवाइड करती है जो पॉइंट आर है वो किस रेशियो से डिवाइड करता है के वन रेशियो के टू। देखिए जब आप एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तब वर्टर आप नोट करें वाइट उत्तर देखें ये रेशियो और दूर का एक्स कोऑर्डिनेट यानी के वन एक्स टू ये रेशियो और उधर से दूर का कोऑर्डिनेट एक्स वन प्लस के टू एक्स वन ओवर सम ऑफ रेशो के वन प्लस के टू इन दोनों रेशो को नीचे ऐड करके लिखेंगे। जब आप वाई फाइंड करेंगे देखिए के वन रेशो दूर का वाई क्वाड्रेंट से मल्टीप्लाई करेंगे के वन वाई टू, और जब ये आप के टू रेशो लेंगे तो दूर के बाद देखिए दूर का वाई क्वाड्रेंट बनता है तो के टू वाई वन ओवर सम ऑफ रेशो, यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लें, जब k1 रेशो होगी तो क्वाड्रेंट x2 होगा, जब रेशो k2 होगी तो क्वाड्रेंट x1 होगा। तो हमारे पास जो पॉइंट r है x y, तो देखिए हमने पॉइंट r क्या फाइंड किया है जो डिवाइड करता है पॉइंट r p और q लाइन सेगमेंट को इन रेशो k1 रेशो k2, वो पॉइंट क्या है k1 x2 k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, नेक्स्ट है k1 y2 प्लस के टू वाई वन ओवर सम ऑफ रेशो के वन प्लस के
के टू हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट कट के पॉइंट व्यू से। फाइंड अ पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। देखिए जो आपके पास वो कहता है कि जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ए और बी, उसको जो आपने पॉइंट फाइंड करना है वो उसको क्या करता है ट्राइसेक्ट, यानी उसको तीन उसको डिवाइड करता है दो इसमें। रेशो क्या है ट्राइसेक्ट, यानी उसकी 1 और 3 रेशो। ट्राइसेक्टिंग का मतलब है कि एक साइड उसकी रेशो 1 है और रेशो 2, 1:2। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है ए -1/4, बी पॉइंट हमारे पास है 6/2, जो हमारे पास K1 रेशो है वो 1 है, K2 रेशो आपके पास क्या है 2। तो अब हम फाइंड करेंगे जो हमारे पास पॉइंट नाम देते हैं आर एक्स वाई, क्या फार्मूला था उसका, एक्स इजिकल टू K1x2 + K2x1 ओवर K1 + K2। जब वाई फाइंड आउट करेंगे तो वाई का फार्मूला क्या था, K1y2 K2y1 ओवर सम ऑफ रेशो K1 + K2। डिसाइड कर लें फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2। वैल्यू उठा के फार्मूले में पुट करें, K1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 6, K2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -1 ओवर K1 + K2 1 + 2। ये हमारे पास आ गया 6 - 2/3, क्या आ गया 4/3। y की वैल्यू निकालें, K1 हमारे पास 1, y2 हमारे पास क्या है 2, K2 2, y1 हमारे पास क्या है 4 ओवर 1 + 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 + 8/3, तो क्या आ गया 10/3। ये हमारे पास जो जिसको मैंने R नाम दिया है ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट X जो पॉइंट A और B को ट्राइसेक्ट करता है, यानी कि K1:2। तो कौन सा पॉइंट है 4/3 10/3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द पॉइंट 3/5 रेशो। 3/5 का मतलब 3/5। अगर आप ये रेशो देखें तो ये रेशो क्या बनेगी 3:2, क्योंकि जब आप नीचे लिखते हैं तो वो सम ऑफ दोनों का जो दो रेशो का दोनों का सम होता है वो उससे डिवाइड करते हैं। तो फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखिए हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट ए टू बी है -5/8, बी हमारे पास जो पॉइंट है 5/3, क्या रेशो है 3/5। इस तरफ ये रेशो 3 है और ये 2, जो हमारे पास पॉइंट आर है जो इसको डिवाइड करता है 3 और 5 रेशो में, उसका नाम मैंने रख दिया आर। तो आप देखें ये रेशो के 1 है और ये रेशो के 2 है, पॉइंट x1 y1, पॉइंट x2 y2। के 1 रेशो हमारे पास 3 है, के 2 रेशो हमारे पास क्या है 2। क्या फार्मूला था एक्सपेंड करने का, K1x2 K2x1 ओवर K1 + K2। तो देखें K1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू हमारे पास 5, K2 की वैल्यू हमारे पास 2, x1 की वैल्यू हमारे पास -5 ओवर सम ऑफ रेशो 3 + 2 15 - 10/5, क्या गया 5/5, आंसर क्या गया 1। अब y निकालें, K1y2 + K2y1 ओवर K1 + K2। वैल्यू रिप्लेस करें, K1 की वैल्यू 3, Y2 की वैल्यू 3, K2 की वैल्यू 2, Y1 की वैल्यू 8 ओवर 3 + 2। ये आ गया हमारे पास 9 + 16/5, तो 25/5। Y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। जो हमने पॉइंट आर फाइंड करना है x और y जो रेशो 3/5 से डिवाइड करता है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 1/5। ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 4.1।